सुनते चलना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं महासागरों में तापमान का वितरण। महासागरों में तापमान का वितरण, ओके। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे, इसमें देखिए हम आपको बताएंगे। नंबर एक, जो महासागरों में ऊष्मन और शीतलन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे महासागरों में, महासागरों में ऊष्मन, ओके, ऊष्मन की जो प्रक्रिया है बा शीतलन की जो प्रक्रिया, मतलब जो हमारा महासागर है भाई वो गर्म और ठंडा कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ओके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि महासागरों में तापमान होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि महासागरीय सतह में तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो महासागरों में, महासागरों में जल की सतह, जल की सतह के तापमान को, जल की सतह के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कि मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं, करने वाले कारक, कारकों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ओके। इसके अलावा हम लोग देखेंगे महासागरों के अंदर तापमान का वितरण। महासागर के अंदर जैसे हम आपको स्थल पर पहले पढ़ाए थे, अब आपको पढ़ाएंगे महासागर के अंदर किस तरह से तापमान का वितरण होता है। तो महासागरों के अंदर, महासागरों में तापमान का वितरण, ओके। और देखिए जिस तरह से वहां हम आपको दो रूपों में वितरण पढ़ाए थे तापमान का, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर आपको पढ़ाए थे, तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो हम देखेंगे क्षैतिज वितरण, ओके, और दूसरा हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर, ओके, यानी कि लंबवत आपको देखने को मिलेगा। इसको हम देखेंगे क्षैतिज में आपको दो रूपों में हम वहां भी पढ़ाए थे, एक अक्षांशीय पढ़ाए थे, एक आपको अक्षांशीय वितरण पढ़ाए थे, एक आपको पढ़ाए थे देशांतरीय वितरण, देशांतरीय वितरण आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर है वो आपको देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि गहराई, जैसे हम समुद्र की सतह से गहराई में जाते हैं तो किस तरह से तापमान में परिवर्तन आता है, तो हम लोग ऊर्ध्वाधर भी देखेंगे तापमान में किस तरह से परिवर्तन आता है, ओके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं महासागरों में ऊष्मन और शीतलन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ओके, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर अपने आएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक है वो अपना हेडिंग यहाँ पर डाल लीजिए। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं किस तरह से जो तापमान है वो समुद्र की सतह का बढ़ता है और कम होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हम आखिर ये तो पहले जाने कि समुद्र के अंदर तापमान आता कहाँ से है, यानी कि तापमान होने के लिए कहीं से तो इसको ऊष्मा मिलती होगी, एनर्जी मिलती होगी, आखिर इसके ऊष्मा का स्रोत क्या है। तो जब हम आपको जलवायु विज्ञान पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको पढ़ाए थे कि ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है पृथ्वी के लिए वो सूर्य है, तो महासागरों के लिए थोड़ी ना बदल जाएगा भाई, तो महासागरों के लिए भी वही आपको होगा। तो देखिए अगर हम बात करें ऊष्मा के स्रोत की, मतलब जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी महासागरों के लिए, तो यहाँ पर भी आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक मुख्य स्रोत है जहां से समुद्रों को एनर्जी मिलती है, मतलब तापमान मिलता है, तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो तो आपको देखने को मिलेगा सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य ही है। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, किस रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। तो सूर्य से प्राप्त होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये ऊष्मा प्राप्त होती है, ओके। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो ये नगण्य मात्रा में होता है, मतलब यहाँ से भी ऊष्मा की प्राप्ति होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये नगण्य मात्रा में होती है, मतलब इसके कारण पूरे समुद्र का तापमान को नहीं बढ़ पाता, बल्कि छोटे क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं वो समुद्र के तापमान को थोड़ा जरूर प्रभावित करती हैं, जो कि नगण्य मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको नगण्य मात्रा में एक तो आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, यानी कि जहां पर ज्वालामुखी उद्गार हल्के हल्के होते रहते हैं, जहां पर कटक आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, और जहां पर दो परतें अभिसरण करती हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो जहां पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होंगी तो वहां पर लावा होता है वो ऊपर आएगा, जब लावा ऊपर आएगा तो वो किससे संपर्क करेगा, जल की सतह से संपर्क करेगा, तो जल की सतह का तापमान थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन हमारा समुद्र क्या है भाई, बहुत बड़ा है,
अब इतना बड़ा समुद्र है तो उस पर तापमान का इनके कारण जो ऊष्मा मिलती है उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नगण्य मात्रा में समुद्र के तापमान को कम ज्यादा करते हैं। ओके, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा समुद्र के अंदर ज्वालामुखी प्रक्रिया, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भी थोड़ा सा तापमान कम ज्यादा होता है। इसके अलावा जल दाब होता है, तो इसकी प्रक्रिया जो होती है इसकी क्रिया के द्वारा भी थोड़ा सा तापमान कम ज्यादा होता है, लेकिन ये नगण्य मात्रा में होता है। इसका प्रभाव क्या होता है नगण्य मात्रा में, जैसे अगर दबाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दबाव बढ़ाने पर क्या हो जाता है तापमान बढ़ जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है थोड़ा सा कान है अपना दबाइएगा। ओके, जैसे किसी का ये एक हमें रैपट लगाए तेजी से कान के पास में, तो आपके कान पर क्या पड़ेगा दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आपका कान क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। वैसे तो बचपन में जो नटखट होंगे ना तो वो जरूर महसूस किए होंगे, क्योंकि मम्मी पापा से जो मार खाए होंगे तो वो लोग जानते होंगे कान क्या हो जाता है एकदम रेड रेड हो जाता है, गरम गरम हो जाता है, क्योंकि उससे क्या पड़ता है प्रेशर पड़ता है भाई, प्रेशर के कारण दाब के कारण क्या हो जाता है थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इनके कारण भी तापमान थोड़ा सा बढ़ता या घटता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो नगण्य मात्रा में होता है, नगण्य मात्रा में प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए अगर ये मुख्य स्रोत कौन सा है, सूर्य है, तो सूर्य के कारण चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से समुद्र की सतह का तापमान कम और ज्यादा होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी समुद्र की सतह को मानते हैं 100 यूनिट मिला, हमारी समुद्र की सतह को 100 यूनिट एनर्जी मिली है सौर ऊर्जा के रूप में, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमारे समुद्र को हमारे महासागरों को 100 यूनिट एनर्जी मिली। अभी एनर्जी मिली तो हमारा समुद्र भी पृथ्वी की तरह ही क्या है ईमानदार है, ये एनर्जी अपने पास नहीं रखेगा, लेकिन क्या करेगा हल्के हल्के इसको लौटा देगा। लेकिन कैसे लौटा लेगा चलिए हम लोग देखते हैं, इसी चीज को नेक्स्ट पेज पर समझने का प्रयास करते हैं। तो एक नेक्स्ट पेज यहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो मानते हैं ये क्या है समुद्र की सतह है, ओके, ये क्या है जल, जल ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। समुद्र का जल होता है वो स्थिर नहीं रहता है, जैसे आपको छोटी झील होंगी यानी कि छोटी जगह में जब पानी होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे उसका आकार बढ़ने लगेगा तो पानी में हल्की हल्की वेव उत्पन्न होती है, तो आप देखेंगे पानी कैसे होता है ऐसे लहराते हुए होता है, वो भी क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए मानते हैं पहली चीज हम आपको, दूसरी चीज यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो पहले तो हमने अभी बात की ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, तो दूसरी हम देखते हैं आखिर चलो ऊष्मा हमें पता चल गया कहाँ से मिल रही है, हमारे सूर्य देवता जो है, ओके, सूर्य देवता है ये क्या दिए शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में यानी कि सौर ऊर्जा के रूप में एनर्जी दी है। मानते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में मानते हैं 100 यूनिट, कितना 100 यूनिट एनर्जी है वो मिली हमारी समुद्र की सतह को। ये क्या है महासागर है, यानी कि जल की सतह है या फिर महासागर जो भी आप लोग मानना चाहते हैं मान लीजिए। ओके, अब देखिए भाई 100 यूनिट इसको मिल तो गई, लेकिन 100 यूनिट है अभी निकालेगा भी तो हमारे समुद्र को 100 यूनिट एनर्जी है मानते हैं प्राप्त हुई, तो इसमें से अब वो निकालेगा, तो निकालेगा कैसे इस 100 यूनिट में से हल्के हल्के एनर्जी निकालेगा 51 यूनिट, यानी कि अगर मानते हैं 100 यूनिट मिला तो इसमें से 51 यूनिट को ये ऊष्मा को निष्कासित कर देता है। लेकिन ऊष्मा का निष्कासन 51 यूनिट किस रूप में होता है वो आपको देखने को मिलेगा बाष्पीकरण के रूप में, यानी कि जल के अंदर आपको पता है बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो समुद्र के अंदर तापमान होता है ऊष्मा होती है यानी कि वो सेंसिबल हीट होती है वो परिवर्तित होती है लेटेंट हीट में, और लेटेंट हीट में परिवर्तित होने के साथ में जल वाष्प के रूप में वायुमंडल को चली जाती है, यानी कि 100 यूनिट में से 51 यूनिट जल वाष्प के रूप में इस जल के अंदर से निकल गया, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं बाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 51 यूनिट है वो निष्कासित हो जाता है। और इसी 100 यूनिट में से इधर हम लिख देते हैं, इसी 100 यूनिट में से आपको देखने को मिलेगा 47 यूनिट, यानी कि 47 यूनिट है वो किस रूप में जाएगा, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, यानी कि पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा, शॉर्ट में हम लिख देते हैं
विकिरण की प्रक्रिया यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, हिंदी में भी लिख लीजिए भाई दीर्घ तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण, विकिरण के द्वारा क्या होगा ये ऊष्मा निष्कासित हो जाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से दो यूनिट बचा है भाई, ओके तो दो यूनिट आपको देखने को मिलेगा, दो यूनिट आपको देखने को मिलेगा चालन के द्वारा, ओके चालन के द्वारा, ओके दो तीन यूनिट है वो चालन के द्वारा चला जाता है। तो देखिए ये आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा जल की सतह का तापमान है वो सबसे तेजी से किस कारण ठंडा होता है, तो आपको ध्यान रखना है बाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो अगर उसमें ऑप्शन दिए रखे हैं तो अगर सबसे ज्यादा पूछा है तो आपको ध्यान रखना है बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जल की सतह का तापमान है वो तेजी से कम होता है, ओके क्या होता है तेजी से कम होता है। इसी कारण देखिए बाष्पीकरण के कारण ही आपको देखने को मिलेगा जल की सतह का तापमान तेजी से कम होता है। इसी कारण गर्मियों के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा जल की सतह का तापमान कम होता है, क्या होता है जल की सतह का तापमान कम होता है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ही आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, देखिए व्हाइट कलर से हम यहाँ पर लिखते हैं, नहीं दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आप लोग अच्छे समझ जाए। इसी बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण दो घटनाएं होती हैं जो प्यारी प्यारी घटनाएं, इस कारण ही आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, पहली कंडीशन हम लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के समय क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु के समय क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के समय आपको देखने को मिलेगा जल की सतह का तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वैसे तापमान क्या होता है ज्यादा होता है, यानी कि गर्मी का मौसम है। अब गर्मी का मौसम है लेकिन जल की सतह का तापमान कम रहता है भाई, अब जल की सतह का तापमान कम क्यों रहता है गर्मियों के समय में, चलिए आपको समझाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आपको देखने को मिलेगा कि जल की ही सतह का तापमान, जल की सतह का तापमान, जल की सतह का तापमान जो संलग्न वायु होती है, संलग्न वायु की जो परत होती है उसकी तुलना में, उसकी तुलना में कम रहता है, ओके उसकी तुलना में कम रहता है। देखिए जगह जगह नहीं थी इसलिए हम बोल दिए शॉर्ट में लिखते, ओके उसकी तुलना में कम रहता है। भाई कम क्यों रहता है चलिए आपको समझाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको समझाते हैं। तो देखिए समय क्या है, गर्मियों का समय है, मतलब क्या है ग्रीष्म ऋतु है, अभी क्या है ग्रीष्म ऋतु है। और देखिए ग्रीष्म ऋतु है, जाहिर सी बात है ग्रीष्म ऋतु है तो तापमान ज्यादा होगा। मानते हैं ये क्या है जल की सतह है, मतलब ये क्या है जल है, ओके जल है, इस तरह से मानते हैं ये जल है, ओके और ये क्या है मानते हैं पानी, मतलब सतह है नीचे की समुद्र की सतह है। अब देखिए पानी अगर ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान ज्यादा रहता है तो देखिए ये क्या होगा इसका भी तो तापमान बढ़ेगा ना, जल की सतह का भी तापमान बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है जैसे ही जल की सतह का तापमान ज्यादा होता है तब इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है, जब जल की सतह का तापमान वायुमंडल की परतों से अधिक हो जाता है तब इसमें प्रक्रिया प्रारंभ होती है बाष्पीकरण की प्रक्रिया, बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। अब देखिए बाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होती है तब आपको पता है बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल है वो परिवर्तित होता है, मतलब चेंज होता है किसमें, बाष्प में परिवर्तित होता है। देखिए जब जल है वो बाष्प में परिवर्तित होता है तो अवस्था परिवर्तन के समय हम आपको बताए थे किसी चीज के अंदर लेटेंट हीट आ जाती है। तो देखिए जल के अंदर क्या था तापमान था, इस जल के अंदर तापमान था यानी कि ऊष्मा थी, ये कौन सी ऊष्मा थी सेंसिबल हीट थी, मतलब हम छू कर जिसको महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं संवेदनशील ऊष्मा बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं सेंसिबल हीट थी। यही सेंसिबल हीट भी परिवर्तित होगी किसमें लेटेंट हीट के रूप में, और लेटेंट हीट के रूप में किसमें चली जाएगी जल वाष्प के अंदर चली जाएगी। अब देखिए जल वाष्प के अंदर क्या आ गई लेटेंट हीट आ गई अवस्था परिवर्तन के समय, और यही जल वाष्प है, जल वाष्प क्या जाएगी ऊपर जाएगी, वाष्प क्या जाएगी ऊपर जाएगी, तो वाष्प के अंदर क्या है लेटेंट हीट है, यानी कि इसके कारण एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ये एनर्जी कहां से जा रही है जल की सतह से, जल की सतह से
तापमान एक तरह से निष्कासित हो रहा है, यानी कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर ज्यादा होगी तो जल की सतह का तापमान भी तो कम होगा, जल की सतह का तापमान भी तो कम होगा, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया कब ज्यादा होगी? देखिए बाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये कब ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होने के लिए तापमान का होना ज्यादा आवश्यक है, मतलब ज्यादा तापमान तो ज्यादा बाष्पीकरण। अब देखिए ज्यादा अगर बाष्पीकरण होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा टेम्परेचर जल की सतह का भी तो गिरेगा, जल की सतह का भी तो तापमान गिरेगा, और ज्यादा टेम्परेचर कम रहता है, ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु के समय ही तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तापमान ज्यादा कब रहेगा हम आपसे पूछे तो आप जाहिर से बात बता सकते हैं, गर्मियों के समय ज्यादा तापमान रहेगा, तो ज्यादा तापमान गर्मियों के समय रहेगा तो हम आपसे पूछे बाष्पीकरण की प्रक्रिया कब ज्यादा होगी, तो आप लोग बता सकते हैं शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, इस कारण जल की सतह का तापमान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान जल के अंदर जो तापमान होता है, जो सेंसिबल हीट होती है, वो लैटेंट हीट के रूप में बदल कर कहां चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है, जिस कारण धीरे धीरे जल की सतह के तापमान में कमी आती है। इस कारण ही गर्मियों के मौसम में जल की सतह का तापमान कम रहता है, किसकी तुलना में? इसके ऊपर जो वायु रहती है, मानते हैं ये जो हम व्हाइट कलर से बिंदु बिंदु दिखा रहे हैं ये क्या है, मानते हैं संलग्न वायु है, वायु की परत है भाई, जल के ऊपर भी तो वायु की परत होगी ना, तो ये किससे लगी हुई है, ये किससे संलग्न है, ये जल की सतह से संलग्न है, यानी कि जल की सतह के जो पास वाला जो वायु का परत होगा वो क्या होगा, अपेक्षाकृत गर्म होगा, उसका तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा और जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा ग्रीष्म ऋतु के समय जल की सतह का तापमान कम रहता है, जो उससे संलग्न मतलब उसके पास वाली जो वायु की परत होती है। बताइएगा इतना समझ में आया? फिर चलते हैं हम लोग ठंडों के मौसम मतलब शीत ऋतु में चलते हैं और देखते हैं कि जल की सतह का तापमान शीत ऋतु में कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, एक बार मैसेज करके बताएं आप लोग। देखिए अगर आपको एकदम हलवा की तरह समझ में आया तो जल्दी से आप लोग बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, फिर हम देखते हैं शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में क्या होगा। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं शीत ऋतु के समय क्या होगा। ओके, तो फिर से हम क्या ले लेते हैं, ये मानते हैं क्या है, समुद्र की सतह है। अब इसके ऊपर क्या है, इस तरह से जल बना देते हैं भाई, ये क्या है, इस तरह से जल बना देते हैं। अब क्या है, ये जल की सतह आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। अब क्या है ये जल की सतह, इस समय अब कौन सा समय है भाई, अब तो ठंडी का मौसम है मतलब शीत ऋतु है। ओके, शीत ऋतु है। अब शीत ऋतु के समय क्या होता है, जाहिर सी बात है शीत ऋतु के समय तापमान कम रहता है, तापमान कम रहता है, यानी कि जो सूर्य के द्वारा शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी प्राप्त हो रही थी वो कम प्राप्त होगी, क्या होगी, कम प्राप्त होगी, यानी कि जल की सतह को भी तो तापमान फिर कम ही मिलेगा, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी आ रही थी वो अब कम आएगी शीत ऋतु में, क्योंकि भाई अब नहीं कम आएगी, क्योंकि अब सूरज कहाँ चले गए होंगे, दूसरी तरफ चले गए होंगे, जिधर हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तापमान जल की सतह का कम रहेगा। ओके, जल की सतह का तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन आप लोगों को पता है अभी हम आपको बताए थे बाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होगी तो इसकी जल की सतह का तापमान और तेजी से कम होता, लेकिन ठंडी के मौसम में बाष्पीकरण होता है वो नगण्य के समान होता है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है शीत ऋतु में, बाष्पीकरण जो होता है, बाष्पीकरण होता है वो क्या होता है, नगण्य के समान होता है, क्या होता है, नगण्य के समान होता है, मतलब बाष्पीकरण की प्रक्रिया समानतः नहीं होती है, बहुत अगर होती भी है तो बहुत कम देखने को मिलेगी शीत ऋतु में। अब देखिए बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, यानी कि जल बाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जल बाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर जल बाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो जल के अंदर उपस्थित जो एनर्जी है, ओके, जो ऊष्मा है, यानी कि वो ऊष्मा भी नहीं कन्वर्ट हो रही है, मतलब इसके अंदर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या था, यहाँ पर बाष्पीकरण हो रहा था, जिस कारण इसकी जो एनर्जी थी, इसकी ऊष्मा थी, वो चली जा रही थी, लेकिन
ठंडी के मौसम में शीत ऋतु में क्या होता है, बाष्पीकरण ना होने के कारण एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर ये मानते हैं व्हाइट कलर से जो हम बना रहे हैं ये क्या है, संलग्न वायु का वायु की परत है, मतलब संलग्न वायु की परत है, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो तापमान होगा वो आपको अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत तापमान है वो कम देखने को मिलेगा, लेकिन जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जल के अंदर पहले से ही ये ऊष्मा है और इस ऊष्मा का निष्कासन नहीं हो पा रहा है, इस ऊष्मा का निष्कासन नहीं हो पा रहा है, तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया नगण्य होने के कारण ही जल की सतह का तापमान ठंडी के मौसम में ज्यादा रहता है, किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा, यानी कि जो उसकी संलग्न वायु होती है उससे ऊपर वाली जो वायु की परत होती है, जल के ऊपर वाली वायु की परत होती है, उसका तापमान अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा और जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए ठंडी के मौसम में आपको जल की सतह गर्म लगेगी, जल की सतह क्या लगेगी आपको भाई, गर्म लगेगी। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा जब हम नल चलाते हैं, नल चला करके थोड़ा सा पानी जब निकाल देते हैं तो आप पानी छुएंगे तो आपको गुनगुना लगेगा ठंडी के मौसम में। देखिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, हम लोग कहते हैं कि थोड़ा गर्म गर्म पानी निकाल लो, ठंडी के मौसम में क्या आता है, गर्म पानी आता है। आप लोगों ने देखिए, आपको एक प्रैक्टिकल बताते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हम समय लेते हैं एक 4 बजे, ओके, यानी कि सुबह सुबह 4 बजे, यानी कि भोर का समय है, ओके, इस समय, और मौसम कौन सा है, ठंडी का मौसम है, शीत ऋतु का मौसम है। अब इस शीत ऋतु के मौसम में सुबह सुबह 4 बजे अगर आप लोगों के नल है, भैया वो टैंक के पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, नल के पानी की बात कर रहे हैं, तो नल का जो पानी है इसको, इससे आप नहाएंगे तो लोग कहते हैं सुबह 4 बजे पानी नल का गर्म गर्म आता है, भाई नल का पानी गर्म नहीं होता है, नल के पानी का तापमान वही रहता है। आपको देखने को मिलेगा सुबह 4 बजे तक, आप लोग जानते हैं पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के दौरान तापमान सबसे न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है, 4 बजे आपको सबसे ज्यादा ठंडी देखने को मिलेगी, 4-5 बजे का जो समय होता है ठंडी के मौसम में वो बहुत ज्यादा पीक पर होता है। तो इस समय जब हम इस नल से पानी निकालते हैं, ये हमको गर्म गर्म लगता है, कब, ठंडी के मौसम में क्या लगता है, गर्म गर्म लगता है, ओके, क्योंकि सुबह आपको देखने को मिलेगा ये जल की सतह का, मतलब इस जल का अगर हम तापमान माने, मान लेते हैं इसका औसत तापमान है वो मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन सुबह सुबह जब आप जाएंगे मानते हैं जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सुबह का जो तापमान है वो -20 डिग्री होता है, अब उसमें आप अपेक्षाकृत क्या है, गर्म चीज पकड़ेंगे, तो इसी कारण ये सुबह सुबह नल का पानी क्या लगता है, गर्म लगता है, ठंडियों के मौसम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन ठंडियों के मौसम में ही जब आप 12 बजे या फिर 11 बजे जब आप नहाने जाते हैं, ओके, दोपहर में मतलब जाते हैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे करीब में जब आप जाते हैं, तो यही नल का पानी होता है ये आपको क्या लगता है, ठंडा लगता है भाई, नल का पानी क्या लगता है आपको, ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है भाई, इसका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, हम टैंक के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भूमिगत पानी होता है जो आप टिल्लू के माध्यम से निकालते हैं, मोटर के माध्यम से निकालते हैं, सबमर्सिबल के माध्यम से निकालते हैं, या फिर हम नल चला करके हेडपंप से निकालते हैं, उस पानी की बात कर रहे हैं, उसका तापमान अभी भी क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस ही है। लेकिन मानते हैं दोपहर के समय सूरज देवता निकल आते हैं और सूरज देवता निकल आने के कारण इसका जो तापमान होता है वो मानते हैं इस बार इन्होंने 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। अब देखिए मौसम क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, और पानी क्या हो गया, उसकी तुलना में क्या है, कम गर्म है, तो इसीलिए आपको पानी क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है भाई, इसीलिए दोपहर पानी भी गर्म ठंडा होता है, ये सब अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसी तरह से क्या होता है, जल भी होता है, आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये चीज आप लोग समझ गए, ओके। तो ठंडी के मौसम में क्या देखने को मिलेगा, जल की सतह का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। शीत ऋतु में जल की सतह का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इतनी आप लोग चीज समझ गए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो देखिए ये हम आपको बता रहे थे इस तरह से। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा, किसकी अपेक्षाकृत, जो संलग्न वायु की परत है। लेकिन वहीं ग्रीष्म ऋतु की जगह पर अगर हम शीत ऋतु की बात करें, तो शीत ऋतु के समय जल की सतह का तापमान अधिक रहेगा, किसकी तुलना में, जो संलग्न वायु है उसकी तुलना में, संलग्न वायु की जो परत है उसकी तुलना में आपको देखने को मिलेगा। किस कारण, ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण हो रहा है। किस कारण हो रहा है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण हो रहा है। ओके, इतनी चीज हम लोग ये समझ में आए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको और सारी चीजों के बारे में बताते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। ओके, कुछ ज्यादा ही आगे आगे हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। देखिए जैसे हम आपको बताए थे, ओके, इस तरह से हम आपको बताए थे, यहां पर 0 डिग्री है, इधर क्या है 90 डिग्री है, और इधर भी आपको क्या बताए थे 90 डिग्री बताए थे, क्या बताए थे, इस तरह से 90 डिग्री बताए थे। ओके, तो एक जगह हमने क्या बताए थे, यहाँ पर 30 डिग्री लिए थे। जब हम आपको बताए थे 0 डिग्री पर तापमान क्या रहता है, सबसे अधिक रहता है। पता नहीं कौन यहाँ पर प्लास्टिक जला दिया, और हमें प्लास्टिक से एलर्जी है, अगर प्लास्टिक का थोड़ा सा भी धुआं चला जाता है हमारे अंदर तो हमारी तबीयत बेकार हो जाती है, मतलब छींके आने लगती है हमको, इससे बहुत भयानक एलर्जी देखने को मिलेगा। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के समीप आप लोग जानते हैं, विषुवत रेखा के समीप जानते हैं, तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है तापमान। अब तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर वायु है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर के यहाँ से ऊपर जाएगी। अब जब यहाँ से ऊपर जाती है फिर ध्रुवों की ओर वो क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, मतलब इस तरह से डाइवर्जेंट हो जाती है। ओके, अब देखिए ये जब ध्रुवों की ओर जा रही होती है ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता है यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, एक विक्षेपक बल लगता है, जिस कारण ये 30 डिग्री के समीप क्या होती है, जो वायु होती है वो नीचे आने लगती है। क्या आती है, वायु होती है वो नीचे आने लगती है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब वायु इस तरह से जब नीचे आती है, क्या होती है, जब वायु इस तरह से नीचे आती है तब आपको पता है ये क्या हो रहा है, वायु का अवरोहण हो रहा है, मतलब वायु क्या हो रही है, नीचे आ रही है 30 डिग्री के समीप। जब वायु का अवरोहण होता है तब आपको पता है वायु जब नीचे आती है तो विरल माध्यम से किस में प्रवेश कर रही है, प्रवेश किस में कर रही है, सघन माध्यम में। क्यों, ऊपर वायुमंडल हमारा कैसा है, विरल है, नीचे हमारा वायुमंडल क्या है, सघन है। तो विरल से सघन में प्रवेश करने के कारण इस वायु के अंदर संकुचन होता है, दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर पड़ता है, यानी कि इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है, अब हम आपको बताए थे संकुचन की प्रक्रिया होती है तो वहां पर आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है, आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होता है, शॉर्ट में लिख दिए, लॉन्ग में भी लिख देते हैं, आइडियाबेटिक ऊष्मन। ओके, आइडियाबेटिक ऊष्मन के कारण वायु के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वायु के तापमान में क्या हो गई, यहां पर वृद्धि हो गई। तो जो 30 डिग्री के समीप, एक्चुअली हमारा थोड़ा सा बॉडी हैंग करने लगा है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा जो 30 डिग्री के समीप होता है यहां पर आपको वायु की सतह का तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, वायु की सतह का तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, कब, शीत ऋतु में। वैसे शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में ठंडी रहती है सतह ऊपर, लेकिन यहां पर आपको गर्म देखने को मिलेगी। तो जहां पर वायु का इस तरह से अवरोहण होता है वहां पर क्या होता है, यहां पर नोट करके लिख लीजिए कि 30 डिग्री के समीप जहां वायु का अवरोहण होता है वहां पर शीत ऋतु के समय भी वायु की सतह का तापमान
जल की तुलना में, जल की सतह की तुलना में, सतह की तुलना में अधिक रहता है भाई। यहां पर क्या हो जाता है, आपको उल्टी अवस्था देखने को मिलेगी। वैसे क्या होना चाहिए था, शीत ऋतु का समय है तो शीत ऋतु के समय जल की सतह का तापमान ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि ठंडियों में हमें क्या लगता है, पानी गर्म लगता है सुबह सुबह या फिर हम चलाएं तो। ओके, ये आपको बताए थे, थोड़ा सा आपको याद होगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया, शीत ऋतु के समय यहां पर उल्टी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। किस कारण उत्पन्न हो जाती है, इस वायु के अवरोहण के कारण। तो जहां पर वायु का अवरोहण होता है वहां पर एडियाबेटिक हीटिंग की वजह से वायु के तापमान में वृद्धि होने के कारण शीत ऋतु के समय भी, शीत ऋतु के समय भी यहाँ पर वायु का तापमान, वायु की सतह का तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है काफी महत्वपूर्ण है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है और आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से बता देंगे। ओके, आराम से बता देंगे। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, आपको एकदम क्लियर कर देंगे फिर से। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा जो तापमान को प्रभावित करता है तो उसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, जो स्थलीय प्रभाव। ओके, कौन सा नंबर का है ये आपको देखने को मिलेगा, चौथे नंबर का शायद देखने को मिलेगा। ओके, तो स्थलीय सतह है वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। ओके, स्थलीय प्रभाव भी तापमान, जो समुद्र की के तल का तापमान, समुद्र के तल के तापमान को प्रभावित करते हैं। ओके, कैसे, तो देखिए जहां आपको स्थलीय सतह यानी कि स्थलीय प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, स्थलीय प्रभाव है जहां ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको अपेक्षाकृत तापमान है वो भी, आपको अपेक्षाकृत तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो अपेक्षाकृत तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इस कारण ही जहां पर स्थलीय प्रभाव ज्यादा रहता है, इस कारण ही उत्तरी हिंद महासागर में आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आप लोगों के लिए मैप पर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह से। ओके, तो देखिए, ओके इस तरह से देखिए, अब देखिए आपको एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए इस तरह से, देखिए ये क्या है, हमारा हिंद महासागर है। ये क्या है, हमारा हिंद महासागर है। अब देखिए हिंद महासागर, ये क्या है, उत्तरी हिंद महासागर है। ओके, ये क्या है, उत्तरी हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा, हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए ये दक्षिणी हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर है। अब आपसे हम बोलें, अगर हम आपसे बोलें कि उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर में किन में तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत, ओके अगर ऋतु समान है, जैसे ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत किसका तापमान अधिक देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी हिंद महासागर में देखिए स्थलीय प्रभाव ज्यादा, देखिए यहाँ पर स्थल थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या है स्थलीय प्रभाव ज्यादा है, मतलब स्थल ज्यादा पाए जाने के कारण इसका तापमान औसत से अधिक रहता है, लेकिन वहीं दक्षिणी हिंद महासागर का तापमान आपको अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो दोनों में से ग्रीष्म ऋतु के समय कौन ज्यादा गर्म रहेगा, जाहिर सी बात है उत्तरी हिंद महासागर है वो औसत से अधिक देखने को मिलेगा और दक्षिणी हिंद महासागर है वो औसत से कम देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों वो आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्लोबली लेवल की बात करें तो ये क्या है इक्वेटर है, ये क्या है इक्वेटर है। तो हम आपसे पूछें उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है पूरा उत्तरी गोलार्ध है। ओके, क्या है उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध है, ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर हम आपसे पूछें उत्तरी गोलार्ध में आपको तापमान है वो औसत से ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर आपको दक्षिणी गोलार्ध में, तो जाहिर सी बात है आप लोग आराम से बता सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्र का जो तापमान है वो आपको अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलेगा, किसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब स्थलीय प्रभाव ज्यादा रहता है
और नीचे आपको स्थलीय प्रभाव आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो किसी भी तरह से आपसे घुमा फिरा करके पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग बता दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। इधर थोड़ा पीछे चलते हैं, ओके यहाँ पर, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ओके। तो जिस तरह से आपको पूछा जाएगा आप उस तरह से आंसर कर दीजिए, आराम से आप लोग आंसर कर देंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो जहां पर स्थलखंड ज्यादा होगा वहां पर आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब स्थलीय प्रभाव ज्यादा होगा, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पांचवा पॉइंट है, देखिए जो जल की सतह होती है, जल की सतह होती है, जल की सतह हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, जब हम आपको भूआकृति विज्ञान बार बार निकल जा रहे हैं, हम आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाए थे। तो जलवायु विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ाए थे, जल और स्थल के तापमान के वितरण के बारे में पढ़ा रहे थे। तो वहां पर ही आपको एक चीज देखने को मिलेगा, विशिष्ट ऊष्मा, ओके। तो विशिष्ट ऊष्मा वो आपको देखने को मिलेगी, जो जल की सतह होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जल की सतह की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने के कारण ही जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा हम उसे बोलते हैं, अगर हम किसी वस्तु को लेते हैं और उस वस्तु की एक इकाई क्षेत्रफल में एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जो वस्तु जल्दी गर्म हो जाएगी तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, ओके। तो स्थल और जल की तुलना में आपको देखने को मिलेगा जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा जो जल है उसका ऊष्मन का दर बा उसके शीतलन का दर है, मतलब ठंडे होने का दर, शीतलन का दर है, ओके। ये आपको देखने को मिलेगा कम होता है, ओके। क्या होता है? कम होता है, ओके। यानी कि देर से गर्म होगा जल और देर से ही ठंडा होगा। अब देखिए, अगर ये देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है, इस कारण आपको देखने को मिलेगा जल है, जल का वार्षिक तापांतर आपको देखने को मिलेगा कम होता है, ओके। क्या होता है? वार्षिक तापांतर होता है वो क्या होता है? कम आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो स्थल की तुलना में वार्षिक तापांतर जलीय सतह का, यानी कि जहां पर जलीय प्रभाव ज्यादा होता है, जहां पर जल ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, वहां पर आपको वार्षिक तापांतर नगण्य देखने को मिलेगा, मतलब कम देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको दूसरा जो पॉइंट है, जल की सतह में आर्द्रता अधिक होने के कारण, जल की सतह होती है तो जल की सतह के समीप आर्द्रता अधिक होती है, मतलब ह्यूमिडिटी अधिक होती है। तो जहां पर आर्द्रता अधिक होगी तो वहां पर बादलों का निर्माण होगा। जब बादलों के निर्माण के कारण ही जहां पर आर्द्रता अधिक होगी तो आपको पता है आर्द्रता अधिक होने के कारण वहां पर संघनन की प्रक्रिया होगी और बादलों का निर्माण होगा। तो बादल अधिक पाए जाएंगे ना जल की सतह जहां पर होगी, तो बादलों के अधिक पाए जाने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दैनिक तापांतर होता है वो भी आपको नगण्य देखने को मिलेगा। दैनिक तापांतर आपको नगण्य देखने को मिलेगा, यानी कि कम देखने को मिलेगा। यानी कि इस कारण ही दैनिक तापांतर और जहां पर जलीय सतह ज्यादा होती है वहां पर वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर नगण्य पाया जाता है, ओके। क्या पाया जाता है? नगण्य पाया जाता है, मतलब कम पाया जाता है। यानी कि जहां पर जितना ज्यादा जल होगा और स्थल, तो आपसे अगर कोई दो लोकेशन दी, एक लोकेशन दे दी आपको स्थल की लोकेशन दे दी और एक लोकेशन आपको दे दी जल की लोकेशन दे दी, तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसका वार्षिक तापांतर ज्यादा होगा या फिर किसका वार्षिक तापांतर कम होगा, तो ये चीज आराम से आप लोग बता सकते हैं। जब आपको एटलस एक बार पढ़ा देंगे, मतलब मैपिंग पढ़ा देंगे, तो आपको लोकेशन के नाम ध्यान हो जाएंगे। जब आप लोकेशन के नाम ध्यान कर लेंगे तो आप बता देंगे किसका तापमान कम होगा, किसका तापमान ज्यादा होगा, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से देखिए, जो तापमान है, अगर सौर ऊर्जा क्या है, एक प्रमुख स्रोत है, तो आप जैसे 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपतन कोण है
वो भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि महासागरों में तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अगर वो कारक एक बार आप लोग समझ गए तो आप समझ लीजिएगा कि जो लवणता है वो भी आप समझ जाएंगे। इसके अलावा डेजर्ट है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर ही क्यों देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो वो भी टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है यहाँ पर, महासागरों में तापमान को, महासागरों में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो इन कारकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए एक जो कारण आपको देखने को मिलेगा वो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, सौर ऊर्जा की मात्रा मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि जहां पर सौर ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी वहां का तापमान ज्यादा होगा, जहां पर सौर ऊर्जा कम प्राप्त होगी वहां का तापमान जाहिर सी बात है कम होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। और सौर ऊर्जा की मात्रा है वो किस पर डिपेंड करती है, हम आपको बताए थे आपतन कोण पर, पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं आपतन कोण के बारे में, आपतन कोण के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आपतन कोण किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण हम आपको बताए थे अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। ओके, किस पर, अक्षांशीय स्थिति पर, अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ मानते हैं ये क्या है, इस तरह से अगर हम अपनी पृथ्वी को बनाएं, ओके, और ये क्या है जीरो डिग्री है, ये मानते हैं यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर मानते हैं ये 60 डिग्री है, और इस तरह से ये मानते हैं ऊपर ध्रुव के पास में 90 डिग्री है, इसी तरह से इधर 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इस तरह से। ओके, तो यानी कि जैसे जैसे हम यहां से मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी क्यों आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे किरण क्या होती जा रही है, इस तरह से तिरछी होती चली जा रही है। देखिए दिखाते हैं आपको क्या होती जा रही है, देखिए यहां पर क्या है, इस तरह से लंबवत है, यहां पर देखिए इस तरह से लंबवत है, लेकिन जैसे जैसे हम कहां जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, सूरज की किरण क्या होती चली जा रही है, तिरछी होती चली जा रही है। तिरछी होने का कारण क्या है, यहां पर आप जानते हैं अक्षांशीय स्थिति बढ़ने के साथ में आपतन कोण है वो भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपतन कोण के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा है इसकी प्राप्ति कम होगी, सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। अब देखिए प्राप्ति कम होने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा ध्रुवों के पास में तापमान सबसे कम होता है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यानी कि इधर भी तो समुद्र होगा भाई, यानी कि जो उच्च अक्षांशों की ओर जो समुद्र आपको देखने को मिलेगा, जो जलीय सतह देखने को मिलेगी, उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो समुद्र की सतह देखने को मिलेगी उसका हल्के हल्के तापमान बढ़ने लगेगा, और जो इस क्षेत्र में समुद्र होगा उसका तापमान आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आखिर ये जो सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो ऊपर जाने पर क्यों कम प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम आपको बताए थे जैसे जैसे आपतन कोण है ये थोड़ा सा जो सूरज की किरण है वो तिरछी होती है, इस कारण आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल के द्वारा सौर ऊर्जा यानी कि सौर किरण होती है इसका अवशोषण बढ़ जाता है और साथ में परावर्तन बढ़ जाता है, और अवशोषण परावर्तन अधिक होने के कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। तो देख लीजिए अब मैप पर आ जाइए, चलिए हमने क्या बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया। तो देखिए अब क्या है, इस क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र का जो समुद्र आपको देखने को मिलेगा ये
क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद का जो आपको समुद्र देखने को मिलेगा उसका तापमान क्या होगा, मध्यम होगा। क्या होगा, मध्यम होगा, मतलब इसका जो तापमान होगा वो ज्यादा नहीं होगा ना ही सबसे कम होगा। ओके, तो इसका तापमान आपको अपेक्षाकृत थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा अगर हम नीचे से जाएं तो। लेकिन ऊपर से अगर हमारे मतलब उच्च अक्षांशों से आ रहे, मतलब ध्रुव के इधर से आएंगे तो हमको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी तुलना में आपको इसका तापमान कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी तुलना में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो ऊपर वाला जो समुद्र है भाई, ऊपर वाला जो महासागर है, इसको दूसरे कलर से हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो रीजन है इसका तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसीलिए आपको अटलांटिक महासागर हो गया, आर्टिक ओशन वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ का तापमान सबसे कम देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ओके, तो अगर आपसे दो लोकेशन दे दिया, दो लोकेशन दे दिया और आपसे पूछा निम्न में से किस जगह का तापांतर है वो कम होगा ज्यादा होगा, यानी कि दैनिक तापमान कम ज्यादा होगा, या फिर कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म होगा कौन सा क्षेत्र कम होगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट से आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे आप लोग आराम से इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये चीज तो हमको चलिए समझ में आ गई कि इसके कारण किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। दूसरा है जो महासागरों के अंदर तापमान को प्रभावित करता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा भूमंडलीय पवने। ओके, जल धाराएं, सॉरी भूमंडलीय पवने, और यही भूमंडलीय पवने होती हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा तापमान का अक्षांशीय वितरण होता है। तो ये भी क्या करेंगे, उस क्षेत्र के तापमान में परिवर्तित कर देती हैं, और इनके प्रभाव के कारण जल धाराओं की भी उत्पत्ति हो जाती है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी, भूमंडलीय पवने, भूमंडलीय पवने। ओके, या फिर इनको प्रचलित पवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रचलित पवन, प्रचलित पवन के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रचलित पवने हैं, इनके प्रभाव के कारण भी समुद्र के तापमान में आपको कम ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से। ओके, किस तरह से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए इस तरह से हम आपको बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो आधी से ज्यादा चीजें आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मानते हैं ये क्या है, ये समुद्र है मान लेते हैं। ओके, क्या है मान लेते हैं, ये क्या है, ये समुद्र है। इस तरह से मान लेते हैं ये क्या है, समुद्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये मान लेते हैं सतह है, जल की सतह है। इस तरह से जल की सतह, अब ध्यान से जो सुनेगा वो समझ लीजिए उसका उद्धार हो जाएगा। और इधर क्या है, ये स्थलखंड है। इधर क्या है, स्थल खंड है। ओके, इधर क्या है, स्थलखंड, और इधर भी क्या है, स्थल खंड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को जो समझ गया, समझ लीजिए वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज को यहाँ पर समझने वाला है। अब देखिए हम आपको पहले पढ़ाए थे एक अपतट पवन के बारे में पढ़ाए थे, और आपको एक देखने को मिलेगा अनुतट पवन। ओके, तो देखिए इस तरह से हम पवन चलाते हैं पहले इधर, ठीक है। अब मानते हैं एक पवन है वो इस तरह से चल रही है। ओके, अभी किधर से आ रही है, ये आपको देखने को मिलेगा कि जलीय स्थल से आ रही है। अब जो स्थल से जल की ओर चलती है उसको क्या बोलते हैं, अपतट पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपतट, अपतट पवन। ठीक है, देखिए अपतट पवन यहाँ पर चल रही है, और ये पवन चलेगी भाई तो आगे बढ़ेगी, जब आगे बढ़ेगी तो इस जल की सतह से संपर्क भी तो करेगी, जल की सतह से संपर्क करेगी तो जल की सतह को भी क्या करेगी, आगे ढकेलेगी, अपने साथ क्या करेगी, हल्के हल्के जल की सतह, ऊपर की जल की सतह होगी उसको भी गतिमान करेगी। तो क्या होगा, यहां से जल क्या होगा, हल्के हल्के इस पवन के साथ में, इस पवन के साथ में क्या जाएगा, आगे जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब जल आगे जाएगा तो ऊपर की सतह यानी कि यहाँ पर जल की कमी होने लगेगी ना, इस तट पर, मतलब इस ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ए ए पॉइंट वाला है मतलब इस तट की ओर, मतलब पूरब की ओर जल की सतह में कमी आएगी। ओके, अब जल की मात्रा में अगर कमी आएगी तो इस जल की सतह की पूर्ति के लिए कहीं से तो जल आएगा ना। अगर एक जगह से अगर हम जल को हटा दें तो
तो उस जल को भरने के लिए, उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए कहीं से तो वो जल आएगा ना। तो आपको देखने को मिलेगा इस जल की सतह को भरने के लिए नीचे से जल आता है इस तरह से। तो देखिए दूसरे कलर से दिखाते हैं, व्हाइट कलर से ही बनाते हैं, ठीक है। नीचे से जल आएगा और नीचे का जल होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। नीचे का जल क्या होता है, ये ठंडा होता है, मतलब इसका तापमान कम होता है। इसका तापमान कम होने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह से जहां पर अपतट पवनें चलती हैं, तो अपतट पवनों के समीप समुद्र जो स्थलखंड होता है, तो स्थलखंडों के पश्चिमी भाग की ओर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। क्या होता है, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। और इसी अवस्था को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अपवेलिंग। ओके, देखिए अपवेलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, अप हो रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। पानी ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर की सतह थी वो भाई आगे चली गई, वहां पर पानी कम हो गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से जो पानी आता है और वो क्या होता है, अपेक्षाकृत ठंडा होता है नीचे का पानी। इसीलिए आपको इस ओर, ओके, इस ओर जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर ठंडी जलधारा का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए ये पवन है इस तरह से आगे जाएगी और आगे जाएगी, और आगे क्या है, यहाँ पर महाद्वीप है भाई, महाद्वीप का पूर्वी भाग है। अब पूर्वी भाग से टकरा करके तो भाई इसके ऊपर तो पानी को भेज नहीं देगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि अपतट पवन के कारण ही आपको देखने को मिलेगा इस तरह से यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और ये पानी की मात्रा जहां पर बढ़ जाएगी, तो वहां पर ये पानी कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये पानी क्या होगा, यहाँ पर पानी पर दबाव लगेगा, पानी पे दबाव लगेगा, तो ये पानी कहाँ जाएगा, नीचे की ओर पानी जाएगा। इसी प्रक्रिया को डाउन वेलिंग बोलते हैं। ओके, डाउन वेलिंग बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर पवन किस प्रकार की चल रही है, देखिए यहाँ पर जल की सतह से पवन आ रही है और कहाँ जा रही है, स्थल में प्रवेश कर रही है। कहाँ प्रवेश कर रही है, स्थल में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार की पवन को क्या बोलते हैं, अनुटट पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुटट, अनुटट पवन। ओके, तो देखिए जहां अपतट पवन का प्रभाव होता है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ठंडी जलधारा होती है। किस प्रकार की जलधारा होती है, ठंडी जलधारा आपको देखने को मिलेगी। तो इस कारण ही देखिए जहां पर अपतट पवन होती है, वहां पर प्रस्थीय जल, प्रस्थीय जल की सतह का, पृष्ठीय जल की सतह का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ओके, स्थानांतरण होता है, जिसके कारण जल स्तर में कमी आती है, जल के स्तर में क्या आती है, कमी आती है। और इसी जल के स्तर में जो कमी आती है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब इसको भरने के लिए, इसको फिल करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से जल आता है, यानी कि अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है। जिस कारण ही आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है। वहीं जहां पर अनुटट पवन का प्रभाव होता है, वहां पर क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। जल का भराव होने के कारण, जल का भराव होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र का तापमान होता है वो ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, डाउन वेलिंग की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसी कारण जहां पर अनुटट पवन का प्रभाव होता है, यानी कि जल की सतह से अगर पवन स्थल की ओर आ रही है, तो उस तरफ का तापमान क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इस तरफ तापमान क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो यानी कि जहां पर अपतट पवन का प्रभाव होता है, वहां पर आपको तापमान कम देखने को मिलेगा। देखिए ऐसी स्थिति कहां पर उत्पन्न होती है, अब हम आपको क्या पढ़ाए थे, पवन पढ़ाए थे, अब पवन से इसको कनेक्ट करिए। ये क्या हो गया, आपका अप्रोच हो गया, बेसिक अप्रोच हो गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। ओके, चलिए आपको बताते हैं इस तरह से। ओके, तो मानते हैं ये क्या है, महाद्वीप है। ओके,
इधर भी क्या मान लेते हैं, इस तरह से महाद्वीप मान लेते हैं, इस तरह से क्या मान लेते हैं, महाद्वीप। और बीच से क्या गई है, ये मान लेते हैं 0 डिग्री की रेखा गई है। ये क्या है, स्थलखंड है, स्थलखंड है। और ए भी क्या है, ए भी एक स्थलखंड है, स्थल, ये क्या है, स्थलखंड है। ओके, और बीच में क्या है मानते हैं, ये महासागर वाला क्षेत्र, मतलब ये जलीय क्षेत्र वाला, ये क्या है, जलीय क्षेत्र, यानी कि महासागर का मानते हैं क्षेत्र है। अब देखिए, हम आपको बताए थे इस तरह से कुछ रेखाएं खींच देते हैं, एक 30 डिग्री के समीप रेखा खींचते हैं जहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, इसी तरह से एक ऊपर भी 30 डिग्री की रेखा खींच देते हैं। ओके, और 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री की ओर पहुंच जाएगा। ओके, तो देखिए, आपको पता है व्यापारिक पवनी है वो किधर से किधर की ओर चलती है, यहाँ पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो व्यापारिक पवनों का यही तो क्षेत्र होता है, यहाँ से इस तरह से व्यापारिक पवनी चलती है ना, क्या चलती है, इस तरह से व्यापारिक पवनी चलती है, और इसी तरह से ऊपर से भी व्यापारिक पवनी चलती है, क्या चलती है, इस तरह से व्यापारिक पवनी चलती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से व्यापारिक पवनी चल रही है, तो ये भी क्या कर रही है, अपने साथ में इस तरह से जल होगा तो जल की सतह को भी इस तरह से स्थानांतरित करेंगे अपने साथ, मानते हैं देखिए ऊपर से ही आ रही है तो ये अपने साथ क्या लाएगी, इसी तरह से लेकर के आएगी, जल की सतह को लेकर के आएगी अपने साथ में, और इधर से जल इधर की ओर जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पर कौन सी पवन का प्रभाव है, अपतट पवन का, अपतट पवन का। ओके, अपतट पवन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और इसी तट की ओर आपको इसी वजह से तापमान कम देखने को मिलेगा, इस तट की ओर तापमान कम देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं आपको इस तट की ओर आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर किस प्रकार की पवन का प्रभाव है, यहां पर अनुतट, अनुतट ऊपर नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊपर अभी हमको पछुआ पवन भी चलानी है। ओके, तो इधर लिख देते हैं अनुतट, अनुतट पवन का प्रभाव होने के कारण इस तट की ओर तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग चलाते हैं पछुआ पवन भी चला देते हैं भाई। अब देखिए पछुआ पवन किधर मुड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ मुड़ेंगी, इस तरह से क्या होंगी, इस तरफ मुड़ेंगी। अब ये कौन सी है, ये पछुआ पवन है, ये कौन सी है, पछुआ पवन है। ओके, अब देखिए पछुआ पवन का प्रभाव है, तो जहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है तो वहां पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर अपतट देखने को मिलेगी पवन, अपतट पवन देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको कौन सी देखने को मिलेगी, अनुतट देखने को मिलेगी, अनुतट पवन देखने को मिलेगी, तो इस कारण इधर तापमान ज्यादा है। लेकिन जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव है वहां पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर तापमान कम रहता है, ये क्या है, पूरा महाद्वीप है मानते हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर तापमान कम रहता है जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। ओके, तो इसी तरह से इधर भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह से ये इस तरह से पवने चलेंगी। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से पवने चलेंगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस तरह से मैप के ऊपर। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, इसको क्लियर कर देते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, दूसरा मैप ऐड कर लेते हैं, एक्चुअली यहां पर वो मैप डिलीट हो गया। बस एक सेकंड रुकिएगा, मैप ऐड कर लेते हैं, फिर देखिए आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में किस तरह से चीजें होती हैं, बहुत ही आसान हो जाती हैं, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बस क्या करते हैं हम उसी अप्रोच के साथ में नहीं पढ़ते हैं जिससे चीजें क्या हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक मैप ऐड कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से आपको ये दो मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। ओके देखिए आपको इस तरह से हमारा बर्ड मैप देखने को मिलेगा। ओके अब देखिए इस बर्ड मैप पे ही आपको समझा देंगे किस तरह से किन पवनों का प्रभाव रहता है और वहां पर किस प्रकार की आपको जलधाराएं देखने को मिलेंगी। और आपको ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, 0 डिग्री, जो ब्लैक कलर से लंबी सी लाइन खिंची हुई आपको दिख रही है, ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री की लाइन है। ओके और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ 30 डिग्री की, इस तरह से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी और इसी तरह से आपको 30 डिग्री की इधर भी आपको देखने को मिलेगी। ओके ये क्या है 30 डिग्री की लाइन, ये भी क्या है, आपको इस तरह से 30 डिग्री की लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है, जिस कारण देखिए इस तरह से क्या चलेगी, व्यापारिक पवन चलेगी, इस तरह से क्या चलेगी, यहाँ पर व्यापारिक पवन चलेगी। तो इस कारण ही देखिए इस तरफ तापमान है वो आपको कम देखने को मिलेगा। ओके अब देखिए इस तरफ आपको कम तापमान देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो जलधारा उत्पन्न होगी वो कौन सी जलधारा उत्पन्न होगी, यहाँ पर ये ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी। ओके ये जलधारा जो हम आपको बना रहे हैं ये कौन सी है, ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी। किस कारण उत्पन्न हो रही है, व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पर जो जल का पृष्ठ होता है उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, और जब जल का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पर जल की कमी हो जाती है, तो जल की कमी होने के कारण इसकी क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से पानी आता है और उसको फुलफिल करता है, फुलफिल करता है, और ये नीचे से पानी आ रहा है इस कारण आपको यहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो आपको कम देखने को मिलेगा। यानी कि इस सतह का तापमान, इस तरफ का तापमान क्या होगा, कम होगा। इस कारण ही आप लोग देखिए जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा, जिस जिस जगह पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है वहां वहां पर देखिए इस तरह से ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है। देखिए जो भी हम अभी येलो कलर से बना रहे हैं वो क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं। अब देखिए ठंडी जलधाराएं होने के कारण ही देखिए ये भी क्या है, ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी, और इन्हीं ठंडी जलधाराएं होने के कारण यहाँ पर डिजर्ट भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए नामीबिया वाला डिजर्ट देखने को मिलेगा, इधर आपको सहारा वाला डिजर्ट देखने को मिलेगा, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट देखने को मिलेगा, और देखिए इसी तरह से भारत भी क्या आता है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है ना, तो थार का मरुस्थल किधर है, हमारे पश्चिमी तट की ओर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको इधर अटाकामा का देखने को मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर मोहाम्बी देखने को मिलेगा जो अमेरिका में है। ये देखिए सारे डिजर्ट क्या है आपको लगभग में देखने को मिल रहे हैं महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर है। अब आपको समझ में आता होगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण ही महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है। यही ठंडी जलधाराएं इस क्षेत्र में बारिश नहीं कराने देती है। देखिए कैसे बारिश नहीं कराने देती है, देखिए यहाँ का तापमान कम है तो यहाँ से जो जलवायु मतलब वायु जाती है, वो वायु जाती है वो क्या होती है, शुष्क होती है। अब देखिए शुष्क क्यों होती है, क्योंकि यहाँ की तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, वायु आर्द्र नहीं होगी। अगर वायु आर्द्र नहीं होगी तो यहाँ से जो स्थानीय पवन भी चलेगी वो स्थानीय पवन क्या होगी, शुष्क होगी, और शुष्क होने के कारण इस क्षेत्र में बारिश नहीं कराएगी, क्या नहीं कराएगी, इस क्षेत्र में बारिश नहीं कराएगी। तो जहां जहां आपको ठंडी जल धाराएं देखने को मिलेगी वहां पर संभवतः ये अपेक्षित है कि वहां पर आपको एक डिजर्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझे, देखिए जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव और जहां पर ठंडी जल धाराएं चल रही हैं, ओके जल धाराएं वहां पर ठंडी चल रही, तो वहां पर आपको एक एक मरुस्थल देखने को मिला। तो आज मैप उठाइए और देखिए कहाँ कहाँ पर मरुस्थल है और उनका प्रभाव कहाँ पर। तो देखिए ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र आपको उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के होने का कारण आज आप लोग समझ गए, और यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कारण को समझाएं या फिर टिप्पणी करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के होने के कारण कौन कौन से हैं, कारकों के साथ या फिर उदाहरण के साथ समझाएं, तो आप लोग समझा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा है तो जलधारा ठंडी है यानी कि उसका तापमान कम है, तापमान कम होने के कारण वायु क्या होगी,
आर्द्र नहीं होगी, मतलब उसके पास आर्द्रता नहीं होगी। जब आर्द्रता नहीं होगी तो वो वर्षा भी 25 सेंटीमीटर से कम कराएगी। अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश कराएगी तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्र कौन सा होगा, मरुस्थल क्षेत्र होगा। और तापमान जहां कम होता है वहां आप लोग जानते हैं वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। तो जहां पर प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होंगी तो वहां पर वर्षा नहीं होती है, जिस कारण आपको जहां पर ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेंगी तो वहां पर आपको इस तरह से मरुस्थल देखने को मिलेंगे। समझ गए आप लोग इन मरुस्थलों के होने का कारण, इस रीजन में क्या है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए वाला रीजन है और यहाँ पर उसका नाम दे दिया जाए, ओके, अभी आपको हम एटलॉक नहीं बढ़ाए हैं इसलिए अभी आपको नाम नहीं बताएंगे वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। अगर हम आपको बोले लोकेशन में इस देश का नाम बोल दिए, ओके, और दूसरा हम यहाँ पर नाम बोल दिए, तो अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किस स्थान का तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इस तरफ का तापमान ज्यादा होगा और इस तरफ का तापमान कम होगा। तो समझ गए तापमान कहाँ पर कम कहाँ पर ज्यादा किस तरह से होता है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर ये ठंडी जलधारा चलेगी और इस तरह से ये सर्कल बनता है और यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है और यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, इसी तरह से आपको इधर भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग समझ गए ना, जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है, तो अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट का तापमान गर्म रहता है, किस कारण, इस जलधारा के कारण ही गर्म रहता है। समझ गए आप लोग, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिएगा, आपका एकदम क्लियर कर देंगे। ओके, और लेकिन इसके अमेरिका के जो इधर वाला जो तट आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो इधर पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट कैसा रहेगा, पश्चिमी तट अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किस कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर अपवेलिंग का प्रोसेस होगा। ओके, अपवेलिंग का प्रोसेस होगा। ओके, तो एक बार आप अपना मैप उठाइए, उस पर सारी चीजें इंप्लीमेंट करिए, आप लोगों को क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चनों के आंसर निकलने लगेंगे फटाफट। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपको क्या पढ़ा रहे थे यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रचलित पवनों के प्रभाव के कारण आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्थलीय प्रभाव के कारण भी तापमान का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। स्थलीय प्रभाव के कारण भी तापमान है वो प्रभावित होता है। कैसे होता है, अभी आप लोगों को बताए थे जहां पर स्थल ज्यादा पाया जाएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो तापमान है वो आपको अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा समुद्री जलधाराएं, ये आपका कल का टॉपिक है, आपको कल पढ़ाएंगे समुद्री जलधाराओं के बारे में, समुद्री जलधाराओं के बारे में। ओके, समुद्री जलधाराओं के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे। तो समुद्री जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं और किस तरह से तापमान का वितरण होता है, ये सारी चीजें हैं वो कल, और इसी समुद्री जलधाराओं के साथ में ही आपका लवणता का वितरण भी आपको कवर करा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए आज हम बोले थे कि आपको 1.5 घंटे तक पढ़ाएंगे, तो क्लास है आज यहाँ पर ही ओवर की जाती है। अगर आप लोगों के लिए अभी कोई डाउट है, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग बता दीजिए, आप वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, फिर क्लास को ओवर कर दिया जाएगा। ओके, आप लोगों को इतना जो लेक्चर है एकदम समझ में आया होगा अच्छे से, आप लोग इसको एक बार जाइए मैप पर देखिए और देखिए कहाँ कहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है जो पूरे वर्ल्ड पर, यानी कि जो विश्व मानचित्र है वहां पर कहाँ कहाँ पर हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं, मतलब गर्म मरुस्थल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए जाते हैं या फिर हॉट डेजर्ट जो होते हैं, गर्म मरुस्थल होते हैं, वो आपको वर्ल्ड मैप पर लोकेट करनी है गोला खींच खींच कर। ओके, और उनके नाम भी लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। और सभी लोग होमवर्क करने के बाद में सेंड जरूर करें। ओके, यहाँ पर बबलू बोले हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क जरूर कवर करके और सेंड जरूर करना है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर ही लेक्चर को फिनिश करते हैं, आप लोगों के डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए।